अब क्या कहता है खुलेआम वहां पर पुलिस वाला कि तेजस्वी तुम्हारा नेता है ना, बचा कहा नहीं लेता है, फोन नहीं किया है, उस बच्चे को बोल रहा है तुम्हारा बाप नेता है ना। इस तरह की भाषा, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी से नफरत है, इसलिए वो पिछड़े का बेटा है। जो घरेलू महिला है दो दो, उसको आपने इस तरह से मारा कि पूरा बदन उसका काला काला हो चुका है, और मुझे लगता है कि पूरे साल नहीं पूरी जिंदगी इस वक्त को, इस समय को, उस दर्द को याद करके वो कैसे अपना जीवन बिताएगी मुझे पता नहीं। वो नाबालिग बच्चा है, सिर्फ इसलिए कि पिछड़े का बेटा है। ये लवकुश की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी आप, कि लवकुश की सरकार है, और हर जगह कहां है उपेंद्र कुशवाहा जी, कहां है सम्राट चौधरी जी। आप स्वयं आ जाइए, आप निष्पक्ष जरा आप देख लीजिए। मुझे किसी से ना कोई शिकायत है ना किसी से एलर्जी है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है, कानून से ना काम चलेगा कि तानाशाही से चलता है। जेंट्स पुलिस महिला को बिना कसूर के, आप किसी इसको पिता को खोजने गए, बेटा बोला कि नहीं है पप्पा, तो आपने बेटा को मारना शुरू कर दिया, और जब उसकी माँ आई उसको बचाने के लिए तो उसको मारना किया, फिर उसके जो दूसरी बड़ी बहन या बड़ी माँ आई उसको आपने मार बैठा के गाड़ी में ले जाके छत पे ले जा करके इस तरह से मारा। मतलब रोजाना हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, चोर बेईमान डकैत शराब बेचने वाला खुलेआम घूम रहा है, उसके ऊपर कोई पिटाई नहीं है। इन दोनों महिला घरेलू महिला है बेचारी, ऐसी मार सारा वीडियो इन लोगों के पास, गला पकड़ के किस तरह से बैठा ला वो लेडी, मतलब किस तरह की डीएसपी प्रशिक्षण, क्या प्रशिक्षण करने आई है। तो मेरा निवेदन सिर्फ आपसे ये है एसपी साहब, आप काफी समझदार हो, नहीं आप खुद आ जाइए, प्लीज आप खुद आ जाइए, और आप लेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दवा चल रही है तो वो दाग जो है वो चोट का दाग सब कम होगा, आपको लगेगा कि ये कम है आज ही। और मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आज खुद आप आइए। यान ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती, सोने चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज, कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन काले स्थान बेगूसराय। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इंसानियत को तार तार किया गया है। ये कोई जो सामाजिक लोग होते हैं, जब पार्टी का कोई नेता होता है वो सामाजिक लोग होता है, समाज में अच्छे बुरे को देखता है, और ये सोशल आदमी है, ये समाज का एक चेहरा है, और पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, महत्वपूर्ण पद पे हैं, और बगल में कोई झगड़ा लड़ाई हो रहा था, वो कैसा कैसी आपस में कर रहा था, तो पुलिस के सहयोग में ये गए कि भाई तुम लोग केस क्यों कर रहे हो, जेल जाओगे, एक वो मुकदमा करोगे, और उसके लिए इनको 12 जो आया था उस पर जो दारोगा लोग था, इसको कहता तुम नेता बनता है, इसको बैठा लिया, और बाद में किस तरह से प्रशिक्षित डीएसपी है, क्या पढ़ के आई है, क्या प्रशिक्षण लेने आई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है जो बातें अभी सामने आई हैं। और मैंने देखा है जिस तरह से, आप लोगों ने भी देखा है, वैसे कि मारा जाता है, खुलेआम दारू बिक रहा है उसको नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि उससे आप हफ्ता वसूल रहे हैं, खुलेआम डकैती हो रहा है, मर्डर हो रहा है और उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं, गुंडा मवाली चोर बेईमान सट्टा खेलने वाला न जाने कौन कौन सा अपराधी थाने पर बैठा रहता है, बाहुबली दंगाई इनके थाने पर बैठा रहता है, समाज को तोड़ने वाला इनके थाने पर बैठा रहता है। लेकिन एक शरीफ आदमी, अगर आपको कोई दिक्कत थी तो राम सखा को आप ढूंढ रहे थे। जो घरेलू महिला है दो दो, उसको आपने इस तरह से मारा
कि पूरा बदन उसका काला काला हो चुका है, और मुझे लगता है कि पूरे साल नहीं पूरी जिंदगी इस वक्त को, इस समय को, उस दर्द को याद करके वो कैसे अपना जीवन बिताएगी मुझे पता नहीं। वो नाबालिग बच्चा है, सिर्फ इसलिए कि पिछड़े का बेटा है। ये लवकुश की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी आप, कि लवकुश की सरकार है, और हर जगह कहां है उपेंद्र कुशवाहा जी, कहां है सम्राट चौधरी जी। ये भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, एक दलितों और पिछड़ों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हो, गुंडई कर रहे हो, ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। कहां है उपेंद्र कुशवाहा जी, खाली राज्यसभा बनने के लिए? कहां है सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनने के लिए? खाली गाली देते हो दूसरों को। ये आतंक राज बिहार में हर जगह लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार एकदम आम बात हो गई है, लेकिन पुलिस का जो तानाशाही है, ये मैंने एसपी साहब से बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम जांच करें। मैं भरोसा रखता हूं मनीष जी पर, एसपी साहब पर, कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे उम्मीद है हमारा प्रतिनिधिमंडल भी कल मिलेगा, उनसे सारे सबूत हैं। और यही नहीं, जो एक वीडियो बन रहा था सारे उसका, उसको उसने वीडियो छीन के तोड़ दिया वहां पर, मोबाइल, मतलब मोबाइल को तोड़ दिया। इस पर रौली कुमारी को फौरन सस्पेंड करना चाहिए, ये अभी तुरंत प्रशिक्षण ले रही है। आज अगर इसको नहीं रोका जाएगा, आज अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कल होकर डीएसपी होकर कहीं जाएगी तो ये क्या करेगी? रौली कुमारी को ये बताना होगा कि आप डीएसपी हो या दारोगा हो या भाजपा जदयू के कार्यकर्ता हो, अगर आप कार्यकर्ता हो तो खुलेआम बोलो कि मैं कार्यकर्ता हूं। किसकी गुलामी कर रही हो, किसके कहने पर तुमने ये तानाशाही की है, ये बताइए। किस तरह से दोनों महिला को और जो नाबालिग बच्चे है उसको मारते है, इसी बात की नफरत थी आपको? अब क्या कहता है खुलेआम वहां पर पुलिस वाला, कि तेजस्वी तुम्हारा नेता है ना, बचा कहा नहीं लेता है, फोन नहीं किया है, उस बच्चे को बोल रहा है तुम्हारा बाप नेता है ना। इस तरह की भाषा, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी से नफरत है, इसलिए कि वो पिछड़े का बेटा है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, कि इसका दूध का दूध पानी का पानी करके, इसके निष्पक्ष जांच करके इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल इसको बड़ा आंदोलन करेगा। इस पर हम छोड़ने वाले नहीं है। और याद रखना, लालू यादव तेजस्वी यादव का सिपाही न किसी से डर सकता है न झुक सकता है। तुम्हारी लाठियां, तुम्हारी गोलियां जितनी चलेंगी, हमारी मोहब्बत के अल्फाज उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे और हमारा आंदोलन उतना और तेज होगा। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता राम सखा और उसके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। छोटी मोटी घटनाएं घटी थी, उन्हीं में कुछ महिलाओं को चोट लगी हुई है, उनके जख्मों को देखने के लिए मैं आया था, तो उनका मैं बयान लिया। सर इसको करवाई भी होगी, जांच हो रही है, इसके लिए टीम गठित की गई है, जांच चल रही है। जैसा कि सबसे पहले तो मैंने आज मेरा आदरणीय एमएलसी साहब कारी सोहेब जी, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बाबू ने उन्हें भेजने का काम किए कि जाके देखिए वहाँ क्या स्थिति परिस्थिति है, जो वीडियो चल रहा है वो क्या है। वो यहाँ आने के बाद उनका रूह कांप गया। उन्होंने माननीय जिला के कप्तान मनीष कुमार जी, एसपी साहब से बात किए, इस तरह का घटना है, आप अविलंब आके अपने से देखने का काम करें। उन्होंने कहे ठीक है, मैं एक बरिया पदाधिकारी को भेज रहा हूँ। तो फिर बरिया पदाधिकारी आए यहाँ सुबोध बाबू, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट हमारी बात हुई, क्या हमारे साथ खुन्नस हुआ रोली मैम का, मैंने सारी बात अवगत कराया है। अनुसंधान के लिए आए हैं वो, जांच के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे एमएलसी साहब एसपी साहब को बोले कि आप स्वयं आके जांच कीजिए कि क्या जांच है, आपका बड़िया पदाधिकारी जो मान लीजिए मंझौल डीएसपी साहब है वो क्या जांच करके दिया, किससे पूछा, राम सखा महतो से पूछा, या जो वीडियो चल रहा है वो क्या देख के वो जांच किया कि ये कहीं मारपीट नहीं है, ये क्या साक्ष्य है, उसके फिर मान लीजिए वो अनुसंधान के लिए आए थे। मुझे आश्वासन मिला है कि आपको न्याय हम देंगे, हम पर भरोसा रखिए। उनको हमने कहे अपने मोबाइल से सर सारा चीज ले लीजिए, वो कहे इससे बढ़ के कोई मोबाइल नहीं है। मैं जो यहाँ देखे हैं निष्पक्ष, मैं अपने माननीय कप्तान एसपी साहब से हम सारे रूबहू बात रखेंगे। राम सखा महतो जो हमारे राजद के जिला प्रधान महासचिव हैं, कोई आम इंसान नहीं है, पार्टी के पदाधिकारी हैं और बिहार का जो सबसे बड़ा पार्टी है उसके पदाधिकारी हैं। लेकिन हमें इनसे सूचना मिला कि 26 तारीख को जो ट्रेनी डीएसपी थी
उनके तानाशाही रवैया किस तरह से बिना सूचना के, कानून क्या कहता है, कानून के हम भी जानकार हैं, अगर एक्यूज थे जिनको सूचना आप देते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपको मारने का अधिकार क्या लॉ देता है, कानून आपको मारने का अधिकार देता है? मैं स्थानीय जो लोग हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत उग्र हैं वो लोग, हम जो बेगूसराय के बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि जो तानाशाह ट्रेनी DSP है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। एक तरफा जहाँ तक हमको मालूम चला है कि इन पर FIR किया गया है, आप मारिएगा भी पीटिएगा भी, आपसे सवाल करेगा तो उसको आप जेल में भेजने का काम कीजिए, उसे FIR कर दीजिएगा। इतना तानाशाह हो गए आप, संविधान से बढ़ के आप हो गए हैं, क्या समझते हैं आप अपने आप को? राजद के लोग गूंगे भरे हैं। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि एक जांच गठित हो कि सच्चाई क्या है, सबसे पहले जितना भी अभियुक्त इनको बनाया गया है उस केस को वापस किया जाए, और जो दोषी पुलिस पदाधिकारी है तो हम आगाह भी करते हैं और चेतावनी देते हैं जिला प्रशासन को, अगर आप संज्ञान नहीं लीजिएगा तो बहुत जल्द हम लोग जिला का घेराव करने वाले हैं। मेरा नाम विकास पासवान, जिला प्रधान महासचिव बेगूसराय। पीड़ित परिवार से मिले हैं तो पीड़ित परिवार ने जो उनके साथ जो हुआ है वो सारी बात बताए हैं, और DSP साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, बस उचित जो जांच का जो पीड़ित के साथ हुआ है उसकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए जांच के ऊपर। संजय कुमार सुमन है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आश्वासन मिला है जो उच्च स्तरीय जाँच होगा, सदर DSP आकर के अभी अपने से देखे हैं, जांच भी किए हैं, आगे आश्वासन दिए हैं तो अच्छा से जांच किया जाएगा।